शिव धनुष को तोड़ प्रभु ने सिया के मन को भाया पाया। मुमकिन कार्य वो किया जो कोई भी ना कर पाया पाया। अयोध्या में खुशियां छा गई, श्री राम संग सिया की शादी, पावन हो गई नगरी जब पड़ा प्रभु का साया साया। महाराज ने भरी सभा में राजा नामो ऐलान किया, श्री राम ने चरण स्पर्श कर पिताजी को प्रणाम किया। सभा की सारी बातें सुन और देख रही थी मंत्रा, तब षड्यंत्र संरचने का ही सबसे पहला काम किया। वनवास पे भेजो पुत्र को, महाराज मेरा वचन निभाओ, मेरा पुत्र भी सब में बड़ा है, मेरे पुत्र को राजा बनाओ। ऐसा करो महारानी ना, महारानी ने एक मानी ना, पुत्र को मुझसे दूर करो ना, इतना ज्यादा मत तड़पाओ। आप तो सुनाई नहीं दिया लोगों का मेरा लक्ष्मण, यही लिखा है मेरे भाग्य में, पर क्या हम यही सोचकर हाथ पे हाथ रखकर चुप बैठे रहे और कुछ ना करें? ये तलवार क्या ये केवल दिखावे के लिए एक आभूषण? भाई तुम भाग हो मेरे जीवन का, एक हिस्सा हो मेरी आत्मा का, कृपया मुझे समझने का प्रयत्न करें। वन में रहे वनवासी बनकर वचन निभाना पहला काम, जीव और जंतु हाथ बटा रहे मिलकर गा रहे जय सियाराम। माँ के हाथ में चिड़िया ने जब ला करके एक पुष्प रखा, माँ को देख के प्यार सा आया, वन में गूंज उठा फिर नाम। भेष बदल कर सूर्पणखा जब पंचवटी में आई, प्रभु राम के लिए विवाह का प्रस्ताव भी लाई। अर्धांगिनी मेरी तो सिया है, लक्ष्मण मेरा भाई, सूर्पणखा थी जिद बड़ी ना बात हजम कर पाई। लंका पति ने खेल रचाया, मारीच को स्वर्ण रूप का सुंदर सा एक हिरण बनाया। हिरण देख के माने प्रभु से इच्छा कर दी जाहिर, प्रभु गए हिरण के पीछे बोले अभी मैं आया। माँ सीता ने देखी झलक प्रभु राम से बोला लाने को, मन ही मन में भाव खोरी स्वर्ण सा हिरण पाने को। पता चला जब प्रभु राम को हिरण एक छलावा है, फिर एक शस्त्र था ऐसा चलाया सच्चाई अजमाने को। मारीच का हिरण भेष में प्रभु के स्वर में करी पुकार, माँ सीता तब घबराई और लक्ष्मण जी से किया विचार। लक्ष्मण जी ने जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच दी, माँ सीता से करी गुजारिश आप न करना इसको पार।